छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चिलावा लहसुन, हरी मिर्च आधा पाव, जीरा एक छटाक और पिसा हुआ धनिया। जी 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 मिसेस निजामी, ठीक है ठीक है, आधा पाव। हाँ हाँ हो जाएगा आपका काम। जीरा बस आप ऑफिस भेज दीजिएगा। जीरा अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जीरा एक छटाक क्या छाप रहेंगे टीवी में से देख देख के? बेगम आप परेशान ना हो, नोट नहीं छाप रहा। वो कभी खुद भी कुछ बना लिया करें, हर वक्त तरकीबें लिखते रहते हैं। बेगम अब तक तो खुद से ही बना के खिलाया है आपको, अगर कभी नई तरकीब अगर आ गई और हम लिख लें तो कोई बुराई हो गई क्या? वैसे ना ईमानदारी की बात तो ये है कि जितने सालों से आप खाना बना रहे हैं ना, इस वक्त तक आपको परफेक्ट शेफ बन जाना चाहिए था। बेगम आपको मेरी बात तो कोई अच्छी लगती ही नहीं है भाई। तो आप कभी कोई अच्छी बात करें तो अच्छी लगे ना, आपका तो हर काम ही बेढंगा है। ठीक है बेगम ठीक है, सही। जिस दिन नहीं होऊंगा ना मैं, उस दिन बहुत याद आऊंगा मैं आपको, देख लीजिएगा। हाँ वैसे ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? है वाकई में आपकी बहुत याद आई। मैं जब भी किचन में जाऊंगी ना और गंदे बर्तन देखूंगी, घर में मैले कपड़े देखूंगी, तो कसम से आपकी बहुत याद आएगी मुझे। ठीक है बेगम ठीक है। वैसे किसी खुशफहमी में ना रहिएगा, याद है ना कि जब आपका और मेरा निकाह हुआ था तो आपने ये एग्रीमेंट भी साइन किया था कि आप लाइफ टाइम अपनी सर्विसेज देंगे। याद आया? और अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो आपको अदालत तक घसीटूंगी मैं। चलें उठें, फौरन उठ जाएं, जाइए जाके सौदा लेकर आए। अच्छा ठीक जी, ठीक है बेगम। और जल्दी आ जाइएगा। बस गया और आया बहुत देर बाद। मम्मा आप कब तक इस तरह के लिए जिंदगी गुजारेंगी? तो क्या करो पिंकी, कोई मिलता भी तो नहीं है। काश कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा तुम्हारा और इस पूरे घर का ना ख्याल रख सके। आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा, बेचारा डड्डू काम कर करके आधा रह गया है। ठीक कह रही है अम्मी जान, वरना मेरे कपड़े भी आधे रह जाएंगे। ओए बस कर दो, कपड़े आधे होते जा रहे हैं। जो तुम्हें काम दिया है ना लिस्ट राशन की, ये जाके लेकर आओ, जाओ। इतना सारा? देखा मामा, अभी पापा होते ना तो मेरे डड्डू का आधा बोझ हल्का हो जाता। हाँ तो क्या करूँ, किसी सड़क छाप को उठा के ले आऊँ घर में? आप फिक्र नहीं करें अम्मी जान, मैं आज ही अपने होने वाले ससुर को ढूंढ के लाऊंगा। अगर इस तरह अटक अटक के ढूंढोगे ना तो आलम बरजख में ही भिजवा देना। आप टेंशन ही ले लें, मैं आज ही कुछ करता हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सड़क से किसी को उठा के मत ले आना, निकम्मा। अबे आ जाएंगे भाई, ठीक है, पैसे तो आ ही जाते हैं हमेशा। अबे इसको तो रख लूं, चील झपट्टा मार लेगी। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ला भाई। अंकल कंगम मैं कर लूंगा। अबे इतना रुक रुक के कुछ भी नहीं होगा भाई। ये तो हमारा पुराना काम है। पुराना काम है, आओ आओ चलो भाई, तुम्हें हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। चलो 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 आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। कहाँ चलना है? दिन वो, 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 वो। अबे भौंकना शुरू कर दिया तूने तो। अबे मैं तुझसे घर पूछ रहा हूँ कि घर कहाँ है, तूने सामने ही है घर। ओ अच्छा, ओहो तो भाई मोहल्लेदार ही हो अपने, यही घर है ना यहीं पर। लाजमी सी बात है, हैदराबाद से सामान लेने थोड़ी आऊंगा। भाई ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? घर तो पीछे रह गया। पीछे रह गया? अबे तो तूने रोका क्यों नहीं मुझे? मैं तो कह रहा था घर पीछे रह गया। अबे इस तरह बोलेगा ना तू तो बहुत सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। चलो आओ वापस, चलो आ जाओ भाई। यार किस तरह तू भी यार, अरे भैया अब याद रखियो फौरन मुझे, रुक जाइए वहाँ। यही तो है। अबे यही तो है, लेकिन जब घर आ जाए तो
तू जितनी देर में बताएगा तो घर फिर निकल जाएगा। अबे यार, अबे ये इस घर के तो सामने से गुजरे हैं यार हम लोग यार, अब भी देख ले भाई यही है कि नहीं है। यही है। अरे डड्डू कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर से आए हो? सामान बहुत ज्यादा था। अच्छे प्यारे अंकल ने मेरी मदद कर दी। आइए अंकल अंदर सामान रख दे। बड़े बदतमीज हो तुम डड्डू, कोई घर आए मेहमान से भी सामान उठवाता है भला? पकड़ो सामान और अंदर लेकर जाओ। माजरत, आप देखें ना आजकल के बच्चे कितने बदतहजीब है, जरा तमीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, बिल्कुल ठीक कहा। इन्हें क्या मालूम ओल्ड इज कोल्ड। कोल्ड नहीं गोल्ड। इतनी गर्मी में तो कोल्ड ही ठीक रहेगा। माफ कीजिएगा, अब जब आप आ ही गए हैं तो अंदर भी आ जाइए, कुछ ठंडा ही पीकर जाइएगा। आइए। नहीं नहीं आइए ना। मम्मा परेशान मत हो, आ जाएंगे पापा। अरे आज तुम देखो मैं इनका क्या हाल करती। आवारगी में हद से गुजर जाना। ये क्या हरकत है? क्या खैरियत तो है? कहाँ थे आप? मैं सौदा लेने गया था। बताओ। अच्छा सौदा लेने गए थे, कहाँ है सौदा? सौदा सौदा हाँ 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 सौदा तो दुकानदार के पास रह गया। मैं लेके आता हूँ। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अरे भाई आ गया ना, अभी सौदा पूरा है, अब किस बात की उदासी है? हम ये जानना चाहते हैं ससुर जी कि आप इतनी देर से कहाँ थे? रेशम के घर। क्या? मेरा मतलब है कि वो दुकान पे सौदा लेने गया था ना, तो वहाँ चल रही थी वो फिल्म स्टार रेशम है ना, उसकी फिल्म चल रही थी। अब वो उसको देखे चले जा रहा फिल्म को, इतनी देर लगा दी, मुझे भी देर हो गई। मैं आपको देखने में दुकान पर भी गया था, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच से बताओ कहाँ थे? हाँ हाँ जवाब दे, बताइए कहाँ थे आप? अरे अब चुप्पी क्यों लग गई? हाँ तो मैं सामने की दुकान पे थोड़ी गया था, मुझे सामने वाली मार्केट पे गया था, वहाँ सस्ता भी मिलता है सौदा और मियारी भी होता है। अच्छा बात सुनो, इतनी बातें तो होती रहेंगी, मुझे गोभी भी काटनी है, पालक भी काटना है, देर हो रही है, आपने बातें खुद कर लो भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई। मामा मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, देख लेना। अरे फिक्र ना करो, करती हूँ मैं इनका कुछ इंतजाम। गुलाब गुलाब जी बेगम, जी बेगम जरा एक अच्छी सी चाय भी पिला दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस मैं बाहर से लेके आता हूँ चाय। ना, बाहर से लेकर आते हैं? क्यों, घर में राशन का कहत पड़ गया क्या? घर में जिन चीजों का कहत पड़ गया ना, अब बाहर से दस्तियाब है। ये क्या हॉल फॉल बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि बाहर से बड़ी कड़क चाय मिलती है, वो लेके आऊंगा, आपका सर का दर्द यूं गायब हो जाएगा। अरे आप अपने होश में तो है ना? हाँ फिक्र नहीं करे, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा बेगम, बस गया चाय लेने और यूं आया, बस कपड़े चेंज करूंगा। अरे गुलाब बात तो सुने, ये चाय लाने के लिए कपड़े क्यों चेंज करेंगे? पागलों जैसी बातें करते रहते।
माफ करना बच्चा, तुम्हारे सितारों से मुंसलिक सैयारों की चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रही। तारा बाबा, सितारों के भी चाल चलन होते हैं। सितारे और परिस्तार दोनों की चाल चलन होती है, लेकिन तुम्हारे से जुड़े वालों की ठीक नहीं लग रहे। कुछ समझी नहीं, कुछ वजाहत कीजिए। अरे भाई, तुम्हारा इज्दवाजी सितारा दो सितारे छोड़कर किसी और कहकशां में दिलचस्पी दिखा रहा है। भाई तारा बाबा, आपकी बातें समझने के लिए ना मुझे इल्म नजूम की एक लुगत लेनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ इसकी कोई खास जरूरत नहीं, बस आप हमें अपना तर्जमान बराए महकमा नजूमियात रख लें। नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं रख सकती। अभी तो आपको पता है ना, लड्डू को भी मैंने घर में रखा हुआ और गुलाम को भी, जगह ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अनकरीब एक जगह खाली होती हुई नजर आ रही है। मैं समझी नहीं। समझोगी कैसे, जब तक बाबा की टाइम ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट फीस नहीं दोगी तो कैसे समझ आएगा। हाँ हाँ तारा बाबा, वो तो मैं दूंगी, बल्कि ये लीजिए, अभी लीजिए, ये लीजिए। अब बताइए। ये तो खुद मुझे समझ नहीं आ रहा, बस किस्सा मुख्तसर ये कि अपने खावन पे कड़ी नजर रखो और इधर उधर की औरतों से दूर रखो। अरे बस रहने दे तारा बाबा, लो भला उन्हें कौन अपनाएगा। अरे भाई, वो सिर्फ नाम का नहीं अमलन भी गुलाम है, और किसी भी औरत के लिए उसका कामिल इंतखाब होगा, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। अच्छा बच्चा, अब हम चलते हैं, हमारी बाहर चांद गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मम्मी जी, आप कसम ले लें, मैंने चौकीदारों से पूछा, बल्कि फकीरों से भी पूछा, ससुर जी का कहीं पता नहीं चला। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है बाबू? कहां से आ रहे हैं ससुर जी? किधर थे ससुर जी? मैं तो बेगम साहिबा के लिए चाय लेने गया था। अभी चाय तो दुकान पे भूल के आ गया, मैं चाय लेके आता हूँ। रुक जाए, चाय पी चुकी हूँ मैं, लड्डू ने बनाकर दे दी थी चाय। अरे अगर आपके इंतजार में रहते ना तो हो गया था काम, जरा मुझे जवाब तो देंगे, चल क्या रहा है? और आज से आप इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे, समझ गए आप? आज के बाद इस घर का बाहर का काम लड्डू करेगा। लड्डू लेकर जाओ इनको। ससुर जी, फैसला ये करना है कि आप खुद जाएंगे या मैं आपको उठा के लेकर जाऊं? मैं खुद चल रहा हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ भाई, मैं खुद। उठ जाइए, खुद चल रहा हूँ, मैं खुद चल। आपको घर में नजर बंद कर दिया गया है, चलिए। मौसम हसी है लेकिन उनसा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी वल्लाह दिल नशी है। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम नशी, हम नशी, हम नशी। आपके शौहर का सुन के बहुत खुशी हुई जी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बड़ा अफसोस। अच्छा खैर छोड़िए, आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। हाँ, वो मेरी बीवी है ना, वो पैदा होते ही मर गई थी। हैं? पैदा होते ही? मेरा मतलब है कि मेरी बेटी की पैदा होते ही मर गई थी, जब से मैं आपकी तरह बिल्कुल तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। आप कुछ लीजिए ना प्लीज। देखो डैडू, गुलाम जी की खिदमत में कोई कमी ना पेश आए। आपको चीनी कितनी? अबे वहाँ चीनी बगैर रुके तरक्की कर रहा है, और यहाँ तू इतना रुक रुक के चीनी डालेगा तो कितना अजीब हो जाएगा है? आपके आने से ना मेरी मामा का दिल लगा रहता है। बस मेरा भी दिल करता है कि मैं यहीं रहूं, अगर आपको एतराज ना हो तो। माफ कीजिएगा, हाथ लग गया आपको। बैठ बैठ जाइए, पूरी बात का जवाब देके जाइए कि अगर मैं
हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊँ तो आपको तो कोई एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे आप कबूल है। तो वो कोई अच्छी सी तारीख निकलवा लेना जल्दी से। हाय अल्लाह। हाय, मैं मामा को देख के आई। देखे सुन बात, आप जलेबी लेंगे ना? ये जलेबी जलेबी तू ही खा, समझा सारा? हाय हाय हाय, मैं जा रहा हूं। इसको अपना सुसर बनाने से पहले लाजमी मालूमात करनी पड़ेंगी, ये काम का है भी है नहीं। बुढ़ा यहाँ रहता है? लड्डू। अबे डड्डू, तू 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 यहाँ रह रहे है? हाँ ना, वो अब्बा जी ने मेरा एडमिशन यहीं पे करवाया था बतौर घर दामाद। तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सामने वाले घर के अंदर मेरा भी बतौर घर दामाद एडमिशन करवाया था। वो तो लगी रहा है यार, मगर कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। चला चल 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 अंदर चल, आ जा। नहीं नहीं, अब तो हम मोहल्लेदार हैं, मिलते रहेंगे। तू ये बता था कि ये बुड्ढा तेरे घर में रहता है? बुड्ढा? इस घर में एक ही बुड्ढा रहता है, गुलाम। हाँ वो 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 वही। अबे वो बुड्ढा मेरा ससुर है, बल्कि वो इस घर का घर दामाद है। अब इस घर की रिवायत है कि यहाँ पर ना नस्ली घर दामाद रखा जाता है। अच्छा, लेकिन तेरी सास कब मरी? अबे क्या बोल रहा है, वो मरी नहीं है, जिंदा है। और वो इतनी आसानी से मरने वाली भी नहीं है, वो हम सबको मार के मरेंगी बे। कम मतलब तेरा ससुर हमें चुट चुट क्या बोले? चुट। अरे सुन तो ले, इसका मतलब ये है कि तेरा ससुर हमें चूना लगा रहा है। चूना? ओ चूना। अबे मैं बताता हूँ ये मामला क्या है। अच्छा ये कर दिया तो ये बात है, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, तू मेरी बात सुन। ऐसा कर देते? हाँ। अरे भाई जिंदा बैठी हुई हूँ आपके सामने, और कैसे यकीन आएगा आपको मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। लो इनके साथ धोखा हुआ है। अरे धोखा तो मेरे साथ हुआ है, उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे रो तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे ऐसा करें कि एक दिन ले जाके रख ले अपने घर, देखिएगा खुद ही वापस छोड़ के जाएंगी, वो भी बे इंतहा बद्दुआओं के साथ। बैठे तो सही ना? क्या बात, बैठे तो सही। ओहो राजा इंदर किधर चले? वो मेहमान आए हुए ना, तो मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। ससुर जी दोनों को साथ में बैठे देखकर कैसा लगा? झटका लगा ना? इतना रुक रुक के झटका? अरे इनको तो एक साथ ही दे दो। धोखेबाज बुड्ढे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई इस उम्र में झूठ बोलते हुए? घर में बीवी बैठी है और बाहर मेरे साथ चक्कर चला रहे थे तुम। देखे आपने दावत दी थी मुझे, वरना मैं तो खुद पकाने और खुद खाने वाला आदमी हूँ। जरा बात सुनो। जी 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 जी। अगर आइंदा तुम मुझे मेरी गली में नजर आए ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अब गुड्डू चलो। मम्मी जी डड्डू। ओहो चलो डड्डू। चल जाना डड्डू। तुम देखे बेटू कैसी गले पड़ू औरत है, आप इसकी बातों में नहीं आइएगा। बताए मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ के क्यों जाऊंगा भाई? हैं? अच्छा है ये घर बसा बसाया आपका घर?
अब ये आपका घर नहीं है। फौरन अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और निकले यहाँ से। आउट। रानी बेगम फौरन चले जाएं यहाँ से, मैं आपको देखना नहीं चाहती इधर। बेगम बात तो सुन। जाओ रानी बेगम। रानी बेगम बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। अब मुझे भी आपसे बात ही करनी, मैं भी जा रही हूँ, मुझसे भी बात मत कीजिएगा। आनी आनी इसे कहते ससुर जी, आप तो रहे ना घर के और ना घाट के। नहीं कराटे कोई बॉक्स में कोई मार धाड़ तो आज ऐसा नहीं होता। बंदूक और छुरी के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ ये अपना लड्डू है, चीथड़े ओढ़े हुए हैं इस लड्डू के, ये लड्डू है। अरे मेरे चाइना के इम्पोर्टेड बॉक्सर में तुझे ही तो ढूंढ रहा था। हम क्या करप्शन करके भागा हूँ या मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में ढूंढ रहा था? असली मैच पर पैसा लगाओ। तो ये क्या नकली मैच है? अबे ये अफ्रीकन कौन है भाई? अबे तू तो ऐसा ना बोल, तेरे ही बर्रे आजम से आया है। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अरे भाई ये मैं डिफेंस के लिए सीख रही हूँ। आज बच्ची ये डिफेंस के लिए सीख रही है, कल अख्तर कॉलोनी के लिए सीखेगी। फिर भी ये मार्को टाइम मुझसे नहीं होगी। ए असली में थोड़ी लड़ना है, तुम परेशान हो रही हो फालतू में। ये लड्डू इसका नाम है या चीड़ है? इसका नाम है। अच्छा ये लड्डू है, तुम बर्फी है? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।